वेलकम दोस्तों, दवा जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ एंटी कोल्ड नोजिन प्लस टैबलेट के बारे में। तो जरूर दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जैसे इस टैबलेट से जुड़ी सही प्रकार जानकारी आपको मिले। और उससे पहले दोस्तों यदि इस चैनल पर आप नए आए हो या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह आने वाले कई और मेडिसिन का वीडियो को देखने के लिए। साथ में दोस्तों बेल का आइकन को भी प्रेस करें, जैसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये जो नोजिन प्लस टैबलेट है दोस्तों, ये इंटर लैब का बना हुआ एक प्रोडक्ट है। नोजिन प्लस दोस्तों इसका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम वो होता है जो दोस्तों आपको मेडिकल शॉप से उसी नाम से मिलता है। ये और इनके अलावा दोस्तों मेडिकल शॉप में आपको दूसरी कंपनी के ब्रांड जैसे सिनारस टैबलेट, फेब्रिक्स प्लस टैबलेट, सॉल्विन कोल्ड टैबलेट, फ्लू कोल्ड टैबलेट के नाम से भी उपलब्ध हो जाता है। दोस्तों इसका पैकिंग का यदि बात किया जाए तो एक स्टीम में दोस्तों इसका 10 गोली आता है और ये 10 गोली का कीमत है दोस्तों 55 रुपया में दोस्तों ये दवा आपको मिलता है। और जरूर दोस्तों ख्याल रखिए, एक शेड्यूल मतलब डॉक्टर से प्रेस्क्राइब से लेने वाला दवा है, तो अपने मन से इस दवा को यूज़ ना करें, जरूर डॉक्टर का सलाह से इस्तेमाल करें। और इस दवा में दोस्तों जो कॉन्टेन का इस्तेमाल किया गया है वो है दोस्तों पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। पैरासीटामोल दोस्तों एक NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लस की ड्रग, साथ में दोस्तों एक एंटी प्रेटिक प्रॉपर्टी रखता है जो कि दोस्तों हमारे बॉडी में होने वाले इन्फ्लेमेशन, फीवर और दर्द को ख़त्म करने के लिए दोस्तों इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इनके अलावा भी इसमें कॉन्टेन इस्तेमाल किया गया है फिनाइलेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम। दोस्तों ये एक अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि सर्दी में हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बंद नाक को रिलीफ देने के लिए इस दवा को यूज़ किया जाता है, जिसमें दोस्तों सर्दी के टाइम आपको सांस लेने में बहुत ही आसानी होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें कॉन्टेंट है दोस्तों क्लोरफेनिलमाइन मेलिटेट 2 मिलीग्राम, जो कि दोस्तों एक एंटागोनिस्ट क्लस की दवा है। मेनली इसको यूज़ किया जाता है एलर्जी सिम्टम्स, सर्दी में इसको यूज़ किया जाता है। तो यदि बात की जाए दोस्तों इस दवा का यूज़ के बारे में, मेनली दोस्तों इस दवा को यूज़ किया जाता है कॉमन कोल्ड की समस्या में, यदि आपको सर्दी हुआ है, जुखाम हुआ है, सर्दी रिलेटेड समस्या हो रही है, रनिंग नोज है, एलर्जी का सिम्टम है, साथ ही साथ आपको बदन दर्द, बॉडी में दर्द है, फीवर है, इन सभी प्रकार प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए दोस्तों ये जो दवा है नोजिन प्लस टैबलेट को यूज़ किया जाता है और डॉक्टर भी दोस्तों प्रिस्क्राइब करता है। तो यही था दोस्तों इस दवा का यूज़ के बारे में फुल डिटेल्स। यदि दोस्तों बात किया जाए तो इस दवा का डोसेज की मात्रा मतलब लेने का तरीका, तो जरूर दोस्तों इसके बारे में आप अपने डॉक्टर का सलाह लें, क्योंकि जो दवा का डोसेज होता है डिपेंड करता है जो मरीज रहते हैं उसके कंडीशन के ऊपर, उसका वजन एंड एज के ऊपर। तो जरूर डॉक्टर का सलाह से इस्तेमाल करें। इन जनरली दोस्तों कॉमन कोल्ड फीवर में दोस्तों डॉक्टर दिन में 2 बार लेने को सलाह देता है, सुबह शाम एक एक गोली करके। और दोस्तों कुछ कंडीशन में डॉक्टर इस दवा को लेने को मना करता है, जैसे यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं। साथ में दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को इस दवा में जो कॉन्टेंट है उससे एलर्जी है, तो उस कंडीशन में इस दवा को यूज़ ना कर इसके बारे में अपने डॉक्टर का सलाह ले दोस्तों। दोस्तों आप जान लेते हैं इस दवा का साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये जो दवा है इसमें कॉमनली किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला दवा है, लेकिन सम कंडीशन में यदि आपको सूट नहीं हुआ तो आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में कुछ कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे जा सकता है, जैसे आपको ड्रॉजीनेस हो सकता है, मुंह में सूखापन लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपका आँखों में जलन हो सकता है, नोजिया और हाइपरटेंशन जैसे किसी किसी का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये और इनके अलावा यदि इन कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस होता है तो तुरंत ही दोस्तों इस दवा को लेने को स्टॉप करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो यही था दोस्तों इस दवा के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।